हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमिट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फोर्थ की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 8, गौरव गाथा के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए देखें। प्रश्न नंबर 1, गौरव गाथा नामक कविता के कवि इनमें से कौन हैं? सुरेखा शर्मा, घमंडी लाल अग्रवाल, डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा या राज नारायण चौधरी? और इसका सही उत्तर है गय भाग, डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा। आगे है प्रश्न नंबर 2, हमें आजादी निम्न में से किसके बल पर मिली? सिपाहियों के, बंदूकों के, वीरों के या कायरों के? बच्चों, हमें आजादी मिली वीरों के बल पर। तो इसका सही उत्तर है गय भाग, वीरों। प्रश्न नंबर 3, देखो ये है खड़े तिलक जी साहस की चट्टान से, मैं तिलक जी कौन है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, लाजपत राय या बाल गंगाधर? बच्चों, इसका सही उत्तर है घे, बाल गंगाधर। आगे है प्रश्न नंबर 4, वीर लाला लाजपत राय खड़े जो लड़ सके तूफान से, इनमें से लाजपत राय का पूरा नाम क्या है? बाला लाजपत राय, रॉय लाजपत राय, मौलाना लाजपत रॉय या लाला लाजपत रॉय? इसका सही उत्तर है घे, लाला लाजपत रॉय। प्रश्न नंबर 5, आजादी की लड़ाई में तूफान से लड़ सकने वाले वीर सपूत इनमें से कौन से हैं? तिलक जी, गांधी जी, लाजपत रॉय और सरदार पटेल जी? इसका सही उत्तर है गय, लाजपत रॉय। प्रश्न नंबर 6, गौरव गाथा पाठ में आजादी की लड़ाई में चट्टान जैसे खड़े हुए हैं वो वीर सपूत निम्न में से कौन से हैं? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? इसका सही उत्तर है घे, बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों की जड़ें हिलाने वाला इनमें से कौन था? लाजपत रॉय, भगत सिंह, महात्मा गांधी या सुखदेव? बच्चों, इसका सही उत्तर है घे, महात्मा गांधी। उन्होंने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। अगला है पाठ गौरव गाथा के अनुसार दहकते अंगारों से कौन खेलते हैं? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह व सुखदेव या महात्मा गांधी? इसका सही उत्तर है गय, भगत सिंह व सुखदेव। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 9, पाठ गौरव गाथा के अनुसार आजादी के दीवाने इनमें से किन्हें कहा गया है? सरदार पटेल, मौलाना आजाद, लाला लाजपत रॉय या महात्मा गांधी? बच्चों, इसका सही उत्तर है खे, मौलाना आजाद। प्रश्न नंबर 10, पाठ गौरव गाथा के अनुसार निम्न में से किन की गर्मी से फौलाद पिघल रहा है? दादा भाई नौरोजी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल या महात्मा गांधी? इसका सही उत्तर है गय, सरदार पटेल। प्रश्न नंबर 11, पाठ गौरव गाथा में निम्न में से किस वीर सपूत का नाम नहीं आया है? लाजपत रॉय, सुखदेव, सरदार पटेल या महाराणा प्रताप? सही उत्तर है घे, महाराणा प्रताप, जिनका नाम यहाँ नहीं आया। आगे है प्रश्न नंबर 12, पाठ गौरव गाथा नामक कविता में शब्द गौरव गाथा से अभिप्राय है आजादी के गीत, सावन की गाथा, बादल की कहानी या बड़प्पन की कहानी? इसका सही उत्तर है घे, बड़प्पन की कहानी। प्रश्न नंबर 13, ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है, यह पंक्ति पाठ गौरव गाथा से ली गई है। इसमें आए शब्द फौलाद का निम्न में से क्या अर्थ है? बलिदान, हिम्मत, सख्त और कड़ा या इज्जत? और इसका सही उत्तर है गय, सख्त या कड़ा। प्रश्न नंबर 14, आजाद हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान एक विशेष स्थान या देश का नाम है, यह कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? बच्चों आजाद हिंदुस्तान, इसमें हिंदुस्तान क्या है, एक विशेष स्थान है, तो ये कौन सी संज्ञा को दर्शाएगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या संख्यावाचक? इसका सही उत्तर है ख, व्यक्तिवाचक। यह एक देश का नाम है। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक शब्द है, चयन करें। दशरथ, फूल, नम्रता या मिठास? और इसका सही उत्तर है क, भाग, दशरथ, जो कि एक नाम है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता है, फूल, पुस्तक, गाय या रमेश? बच्चों इनमें से रमेश जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि एक नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता। आगे है प्रश्न नंबर 17, गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है, ये हिमालय पर्वत किस संज्ञा को दर्शाता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? और इसका सही उत्तर है क, व्यक्तिवाचक, जो कि एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। आगे है प्रश्न नंबर 18, कविता गौरव गाथा के अनुसार निम्न में से किसकी गर्मी से फौलाद पिघल रहा है, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, मौलाना आजाद या महात्मा गांधी? और इसका सही उत्तर है ख, सरदार पटेल, जिनकी गर्मी से फौलाद पिघल रहा है। प्रश्न नंबर 19, कविता गौरव गाथा में वीरों की गौरव गाथा सुनाई गई है। प्रश्न यह है कि गौरव गाथा में कितने वीरों के नाम आए हैं, 10, 7, 9 या 8? इसका सही उत्तर है ग, 9। इस कविता में, गौरव गाथा में 9 वीरों के नाम आए हैं। प्रश्न नंबर 20, पाठ गौरव गाथा में से वीरों ने बलिदान देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया था, निम्न में से बलिदान के अर्थ को नहीं दर्शाता है, यानी जिसका अर्थ बलिदान नहीं है, कुर्बानी, शीश चढ़ाना, न्योछावर होना या नाक कटाना? और इसका सही उत्तर है नाक कटाना। नाक कटाना बलिदान का अर्थ नहीं है, ये तीनों बलिदान के अर्थ हैं। तो बच्चों ये थे पाठ नंबर 8, गौरव गाथा से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को दोबारा देखें और इन प्रश्नों को याद करें। हमारी इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।